और समस्त लाहौर की महानुभाव ग्रामीण का काम किया, हमने नौजवानों को बढ़ाने का काम किया। मक्का दान उसको करना है जिन्होंने भव्य राम मंदिर की मंदिर का निर्माण करने का काम किया, माता बहनों के लिए काम किया। योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, इसलिए अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। और स्क्रीन वाले भैया स्क्रीन शुरू करा देना, और मैं जो है ईश्वर जी आगे की मंच संभालेंगे। योगी आदित्यनाथ जी आ गए तो मैं ईश्वर को कहूंगा कि वो आगे का मंच संभाले। ये जो स्क्रीन वॉल लगी है, मैं महानुभाव से निवेदन करता हूँ स्क्रीन वाले ये दोनों स्क्रीने चालू कर दे, और समस्त लाहौर की महानुभाव ग्रामीण बंधु माता बहनों भाइयों से निवेदन करता हूँ कि थोड़ी सी व्यवस्था रखे। विधानसभा संयोजक आदरणीय ईश्वर सिंह जी को उद्बोधित करने के लिए निवेदन करता हूँ। आदरणीय ईश्वर सिंह जी आपको इंतजार था, वो अमन के बीच में बुला गए हैं। आज के कार्यक्रम में बुलाए हुए सभी और विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, स्टेज पे विराजमान आदरणीय 1008 श्री गंगादादी महाराज जालोर व अन्य पूज्य चरणों सभी संतों के चरणों में वंदन। आज के कार्यक्रम में संगठन के जिला प्रभारी जो प्रवासी विधायक आदरणीय बाबा साहब जनता पार्टी के जिला में संयमित रहे और प्रशासन का सहयोग करें। थोड़ी ही देर में कुछ ही क्षणों बाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हम सबके आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी इस मंच पर आप सभी के बीच हैं। जोरदार तालियों के साथ जब वो मंच पर रहे तो स्वागत करें। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। भारत माता की। पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे संतगणों का आशीर्वाद ले रहे हैं,